सुनो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो पहले ना ये समझाता हूँ रेजोनेंस क्या चीज़। सब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इलेक्ट्रो 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 इधर। तो रेजोनेंस क्या चीज़ है देखो, इसके पहले भी ये नाम हमने सुना है, इसके पहले भी हमने नाम रेजोनेंस है ना एवरीवन। जब भी नाम आ जाए मतलब समझ लेना कोई ना कोई चीज़ वाइब्रेट या ऑसिलेशन के साथ कनेक्टेड चीज। मेरी बात सुनो ध्यान से एवरीबडी। अभी ट्यूनिंग फॉक, पता है ट्यूनिंग फॉक? कम ऑन, ऐसा कुछ होता है भाई, ओके अपने लैब में होता है ऐसा कुछ। बोले सर ये तो ग्लास है। बोले नहीं भाई ये ट्यूनिंग फॉक है। ठीक है सुनो मेरी बात। हर ट्यूनिंग फॉक पे ना एक नंबर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? हाँ, और वो नंबर ये बताएगा कि वो ट्यूनिंग फॉक कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है। ठीक है तो मेरी बात सुनो, पता क्या है मालूम है, हर चीज़ का अपना एक नेचुरल वाइब्रेशन होता है, हर चीज़ का अपना एक, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देखो लिखा है ना, एवरी सिस्टम हैज अ टेंडेंसी टू विद, वो जो भी फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ लेकिन क्या होता मालूम है एवरीवन, कभी कभी है ना चीज़ें वाइब्रेट करते करते ऑसिलेट करते करते अपने मैक्सिमम पे चले जाते, कहाँ पे पहुँच जाते मैक्सिमम पे। जब वो मैक्सिमम पे पहुँच गए ना तब हम उसको कहते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? यहाँ भाई मोने भाई जल्दी से इधर एवरीवन, हमारी हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट की एक नेचुरल टेंडेंसी है। जैसे नॉर्मली कितना वाइब्रेट होता है भाई, बायो वाले बताओ। हाँ 75, 73, 70, 72, ठीक है एवरेज 72, ठीक है चलो। लेकिन मेरी एक बात सुनो याद से, अगर आप भाग रहे हो तो बढ़िया आएगा, बराबर है। तो मान लो फॉर एग्जांपल अली भाग रहा है, 72 से 74 हो गया, 75 हो गया, 78 हो गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि अली भागते रहेगा और ये हार्टबीट बढ़ते रहेगा? हाँ एक पॉइंट पे वो रुक नहीं जाएगा, एक पॉइंट पे कहीं तो रुक गया तो फिर भैया हाँ अली अली के दुश्मन बहुत है भाई यहाँ पे। हाँ ओके, दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं। बोले यार सब इधर सुनो, सब मेरी बात सुनो, मतलब हमको ये बात मालूम है कि उसकी कुछ तो एक लिमिट है ना। मैं बढ़ते 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 कहीं तो आएगा आपको लगेगा भाई ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे से। वो मैक्सिमम को बोलते हैं रेजोनेंस। ओके जब किसी भी चीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फोर्स फ्रीक्वेंसी, आपकी हार्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 72 मान लो, फोर्स की मान लो एग्जांपल 81 तक पहुंच गया, एग्जांपल ऐसा होता नहीं है 81 तक, लेकिन भैया वो मैक्सिमम है, मान लो वो मैक्सिमम। तो आपने अपने हार्ट को कहाँ तक पहुँचा दिए? रेजोनेंस तक। ठीक है तो भाई सुनो, वॉट इज क्वेश्चन, पढ़ना जोर से अनस क्वेश्चन पढ़ो। फिर से अब ये क्या चीज है सुनो, सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट। भाई देखो क्या मालूम है, अब इतना तो दिख गया क्वेश्चन में कि भैया सीरीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सीरीज, और क्या क्या लिखा हुआ है? एलसीआर। देखो एल भी है, सी भी है, आर भी, और तीनों एक सीरीज में है ना। अच्छा अभी सुनो भैया, इस सर्किट को हमने नाम दिया है, क्या नाम दिए सब बोलो? क्यों सर ऐसा? क्योंकि जब एल और सी और आर सीरीज में होते हैं ना तो इस सर्किट की खास बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब पढ़ो, ये सर्किट अपने थ्रू मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है। सुना आपने, ये सर्किट अपने थ्रू मैक्सिमम करंट को, इसीलिए तो उसको कहा जाता है बोलो रेजोनेंस। और क्योंकि सीरीज में इसीलिए पूरा नाम क्या है इसका? चलो ठीक है एवरीवन, समझा रहे हो? रेजोनेंस मतलब मैक्सिमम, रेजोनेंस मतलब तो ये बंदा अपने थ्रू मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया
दिस रेजोनेंस सर्किट. क्यों रखा गया सर? क्योंकि बस यही कहानी है. हमसे क्या बोला गया भैया, एक काम करो भैया, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, और हाँ इस सीरीज रेजोनेंस सर्किट का कुछ कंडीशन है तो वो भी बता दो. चलो ठीक है. तो सबसे पहले देखो भाई, ये सर्किट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत सारे इसमें लेक्चर्स लगे हैं, और आई होप आपने घर पे जाके भैया सारी चीज़ें बार बार देखी है. तो हमको मालूम है इस चैप्टर में ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी किए हैं. ओके, थोड़ा गलती जोर से पूरा पढ़ना था. इम्पिडेंस हमको मालूम है ना, एक्चुअली ओमेगा एल की जगह पे कौन होता है एक्सएल, और वन अपॉन ओमेगा सी की जगह पे कौन होता है एक्ससी. हमारा एक्चुअल फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्ससी था, तो वो पता लगे कि हमको पता है कि एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा एल और एक्ससी को लिख सकते हैं. ओ अब कहानी को सुनो जरा, ये पॉइंट जोर से पढ़ना. ओके क्लियर? हाँ भाई बहुत बहुत ध्यान से सुनना भाई. क्या किया भैया, स्टार्ट में मान लो हमने फ्रीक्वेंसी को बहुत लो रखे. ध्यान से सुनना मेरी बात, फ्रीक्वेंसी को बहुत, अच्छा फ्रीक्वेंसी को बहुत लो रखे तो क्या लिखा है मालूम है यहाँ पे? उस वक्त क्या सीन था, देखो एक्सेल मतलब इंडक्टर की तरफ, इंडक्टर की तरफ से जो रिएक्टेंस था या रेजिस्टेंस था वो नेग्लिजिबल था, लेकिन कैपेसिटर की तरफ से जो रिएक्टेंस था वो कब कब की बात है, कब की बात है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी थी. फिर से पढ़ना गुमती जोर से. ठीक है तो सीन क्या था, कौन सबसे लो था? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो. एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, सीन ये है कि फ्रीक्वेंसी एकदम लो है. आगे इस सीन में एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल क्या था, नेग्लिजिबल, और दूसरा मतलब एक्सएल बहुत कम था और एक्ससी बहुत. सुना आपने एवरीवन, क्या सीन था भैया, एक्सएल बहुत कम था, इतना कम था कि वो नेग्लिजिबल बोला गया है ना, और एक्ससी बहुत. ये कब की बात है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत लोअर के हमने क्या क्या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया. सुनो सीन पकड़ो, हमने तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सीन चेंज होने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा, ये कम होने लगेगा. इधर देखो यार, ये बढ़ने लगेगा कम, ये बढ़ेगा ये कम, कोई तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों. ओ वही तो बात है कि भैया कुछ तो ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जब दोनों. तो शुरुआत कहां से कहते, लो फ्रीक्वेंसी से. उस वक्त एक्सएल कम था, हमने फ्रीक्वेंसी को क्या हो गया, ये बढ़ने लगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जब दोनों. यस भैया सुनो, ये जो पॉइंट है ना जब दोनों इक्वल हो गए. सुनो अब हमको मालूम है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, एक्सएल इक्वल टू और एक्ससी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी. हमने वही फॉर्मूला लिखा, हमने वही फॉर्मूला लिखा, एक्सएल की जगह ओमेगा एल, एक्ससी की जगह वन अपॉन ओमेगा सी, बट ओमेगा के नीचे क्या डाल दिया आर. क्यों सर? यही तो पॉइंट है, इसको हम रेजोनेंट या रेजोनेंस बोलेंगे ना. ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों फ्रीक्वेंसी ना अपने एवरीवन, बस यही वो पॉइंट है भाई. ओके तो सुनो, स्टेप पढ़ना गुमती जोर से. अब जितने ओमेगा आ रहे वो इस तरफ, एल उस तरफ, पढ़ो. अब हमको मालूम है भैया ओमेगा फॉर्मूला है 2πf, बस नीचे छोटा सा आर डाल देंगे. पढ़ो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, बोलो भाई घुमा घुमा दो बस. ये एफ आर को ने, यही तो है हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ये ओके तो कहानी क्या थी भैया, स्टार्टिंग में हमने
लो फ्रीक्वेंसी शुरू से, लो फ्रीक्वेंसी से शुरू किए थे, उस वक्त एक्सएल लो था, एक्सी हाई था, हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले गए, धीरे धीरे ये बढ़ने लगा, ये कम होने लगा, कोई तो एक्सैक्ट पॉइंट आया जब दोनों, वही मेन है यार, जब दोनों इक्वल हो गए तो भैया क्या हो गया, सब बोलो जल्दी जल्दी, फिर फॉर्मूला डाल दिए तो ये मिला, मुबशरा फटाफट पढ़ना, क्या मिला, बस दोनों को एक तरफ ले लो, ओमेगा आर को ऐसा लिख दिए पढ़ो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड ये मिलेगा, टू पाई को भी वहां घुमा दो, यही एफ आर कौन है हमारा, यस ठीक है। अभी कुछ और खास बात है, कुछ और खास जैसे सुनो, अब हमको मालूम है एफ आर कौन है, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमको मालूम है, हमने पढ़ाई क्या था, सब बोलो भाई याद है ना हमारा जेड का फॉर्मूला क्या, जेड इक्वल टू अंडर रूट प्लस द होल स्क्वायर है ना, लेकिन एक्सएल इक्वल टू, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ना, यानी जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर क्या होता है, यानी जेड इक्वल टू क्या मिला, आर, कब कब कब, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी था, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहां पे मिला, ये कहां पे मिला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और हाँ, जेड इक्वल टू आर ये जेड की सबसे लीस्ट वैल्यू, ठीक है, जेड की बहुत सारी वैल्यू होती है लेकिन ये जेड की सबसे लीस्ट वैल्यू, जेड की सबसे लीस्ट वैल्यू कब मिलती है जब, तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई जेड की सबसे लीस्ट वैल्यू यहां मिली, कहां मिली, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। चलो भाई एक और चीज, हाँ पढ़ो पढ़िए जोर से, थस बंदी, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, इंपेडेंस कौन, जेड, ओके, व्हेन द इंपेडेंस ऑफ एलसीआर इज, अरे यार मिनिमम मतलब ये इसी की बात चालू है ना मिनिमम मतलब लीस्ट वैल्यू ना, तो याद रखना ये पॉइंट जो है ना इसी से लिया गया है, ओके। अब आप ही सोचो जेड इक्वल टू क्या है, मतलब भले ही एक्सेल है, भले ही एक्सी है, लेकिन दोनों कुछ काम, सर्किट में तीनों लोग हैं, सर्किट में भैया तीनों है, एल भी है, सी भी है, लेकिन फिलहाल इस कंडीशन में, इस स्टेज पे ये दोनों काम यानी बच काम सिर्फ कौन कर रहा है, तो अगर सिर्फ आर काम कर रहा है तो क्या इसको ये नाम से बुला सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आर रहा तो हम लोग क्या बोलते थे, बराबर, ठीक है। चलो भाई, और अगर प्योरली रेजिस्टिव है तो हमको तो मालूम है, हमने पढ़ा है भाई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ये बंदा और ये बंदा कौन कौन कैसे होते हैं, ये, और हमको तो मालूम है भैया ये फॉर्मूला होता है, पढ़ो जोर से, लेकिन जेड इक्वल टू क्या है, जेड के बदले क्या लिख सकते हैं, तो आई नॉट इक्वल टू, अब क्योंकि z सबसे कम होगा, z सबसे मिनिमम होगा, जब डिनोमिनेटर सबसे कम होगा तो वैल्यू सबसे, बराबर है ना, जब किसी भी चीज का डिनोमिनेटर सबसे कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू सबसे, ओके चलो भाई, तो इसका मतलब ये है कि भाई LCR सर्किट में जब इम्पीडेंस होता है मिनिमम, तब करंट होता है, बड़ा जोर से इसको, इस कंडीशन ये जो अभी अभी आपने पढ़े, बस यही जो कंडीशन है ना, इसी को कहते हैं क्या, रेजोनेंस कंडीशन। और क्या कहता है रेजोनेंस कंडीशन भाई, रेजोनेंस कंडीशन कहता है कि भैया एलसीआर सर्किट में इंपेडेंस कैसा होना चाहिए, बोलो ना, मिनिमम, तब आई नॉट या करंट आपका होगा, और इसी को कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी मिली थी याद है एफआर क्या फॉर्मूला था उसका, बिना देखे बोलो अभी भैया, इस एफआर को कहते हैं, सब बोलो कॉमन सेंस है, नाम तो कॉमन सेंस है भाई, सीरीज में इसलिए सीरीज, रेजोनेंट है इसलिए रेजोनेंस, एफआर फ्रीक्वेंसी इसलिए फ्रीक्वेंसी, सही है, एज सिंपल एज दैट, तीनों सीरीज में थे है ना। इस बार ये देखो तीनों है,
पैरेलल में सर तीसरा तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है सर, एल है सी है। देखो भैया बाय डिफॉल्ट एवरियन आर यहाँ पे होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एवरियन बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वैसे भी एवरियन इस सर्किट में भी तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप मान के चलना कि यहाँ पे एक आर है, आर है, ठीक है। चलो सुनो अभी ध्यान से एवरियन ईयर तो सीन क्या है। हाँ पहला पॉइंट जोर से अली, देखा हम लोग सिर्फ मेजरली क्या लेंगे एल और सी, बाय डिफॉल्ट आर को मान लेंगे। अच्छा ये दोनों कनेक्टेड है किसको भैया, हमारे सोर्स को, सोर्स का अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ई, ओके। चलो भाई अब हमको तो मालूम है एवरीवन कि भैया अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई है तो ई इक्वल टू क्या होता है, सब बोलो। अच्छा अभी अपने पास दो लोग है, ओके, एक है इंडक्टर और एक है कैपेसिटर, है ना। और हमको तो कहानी मालूम है कि जब बात आती है तो भैया हमको मालूम है करंट आई। अब ये फॉर्मूला पढ़ो जोर से ली क्विक, हाँ एकदम अलर्ट में रहे, एकदम अलर्ट में रहे, ठीक है। और जैसे अभी इंडक्टर की बात की है तो उसमें करंट लैग कर रहा था, जब कैपेसिटर की बात की तो वही करंट। तो भैया यहाँ पे आई एल के फॉर्मूले माइनस था, यहाँ पे आई सी के फॉर्मूले में प्लस होगा। पढ़ो सिमिलरली अली, एकदम अलर्ट में रह ली। हाँ तो भैया यहाँ पे क्या मिला था, दोनों फॉर्मूले बराबर याद रखना। आई एल क्या मिला था अली जोर से, माइनस पाई बाय टू, और यहां पे पढ़ना आई सी फटाफट। भैया हमको चाहिए टोटल करंट, क्या चाहिए, ऑब्वियसली इन दोनों करंट को हम प्लस कर देंगे। पड़वाली भैया ये आपका आई सी का वैल्यू और ये आपका आई एल का वैल्यू, ओके। पड़ो स्टेप आई इक्वल टू चलो अभी याद रखना है एवरेज साइन थीटा माइनस पाई बाय टू इज माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई। और यहाँ पे साइन टीटा प्लस पाई बाय टू इज इक्वल टू कॉस टीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे, ओके। दोनों फॉर्मूले लिख लो, दोनों फॉर्मूले लिख लो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। सुनो अभी ध्यान ध्यान से हियर, तो अब एवरीवन हमको मालूम पड़ा इसका आंसर क्या है, सब बोलो। और इसका आंसर क्या है भाई, तो अल्टीमेटली हमको ये वाला स्टेप मिला अली जोर से, लेकिन हमको तो मालूम है ना एवरेन एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है वन अपॉन ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा सी, रिकॉर्ड मेंटेन है भाई, ओके। एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है वन अपॉन ओमेगा सी, तभी तो एक्सी का वैल्यू क्या आया, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा था, वन अपॉन एक्सी लिखा था ना ओमेगा सी, और एक्सएल की जगह पे बराबर ओमेगा एल, सही है, ओके। पढ़ो अली क्या मिला, ये है फाइनल फॉर्मूला किसका, आई का, किस केस में, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। अच्छा अब अगर आपको सीरीज रेजोनेंट सर्किट याद है, सब इधर देखो हमको तो मालूम है रेजोनेंस में होता क्या भैया, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, एक्स इक्वल टू एक्सएल, कम ऑन, यही से तो कहानी शुरू होती है कि भैया स्टार्टिंग में एक्सएल कम होता है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है। अब वो पिछली बार समझा दिए ना उन्होंने, अब बार बार समझाएंगे नहीं, अब लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या कि भैया जब ये दोनों माइनस होके क्या हो जाएगा, इक्वल होके जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, माइनस होके क्या आएगा। और अगर आप ही सोचो एवरेन ये हिस्सा जीरो हो गया तो पूरा का पूरा, तो अगर जीरो हो गया तो याद है पिछली बार करंट मैक्सिमम था, पिछली बार इस बार, यानी अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट रहे मैक्सिमम करंट फ्लो होता है ना, और अगर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट रहे तो मिनिमम होता है। तो अब हम इसको अपने अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, करंट ज्यादा चाहिए तो अलग सेटअप, करंट कम चाहिए तो अलग सेटअप, ठीक है, ओके एवरीवन हियर। चलो भाई अब इसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी निकाले थे याद है, ओके। अब आप ही बताओ,
अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, क्या एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो एक्सएल का फॉर्मूला, एक्सी का फॉर्मूला वन अपॉन ओमेगा सी, बराबर। एक्सएल का फॉर्मूला वन अपॉन ओमेगा, एक्सी का फॉर्मूला ओके, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा, एक्सी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, जो भी है ओके। तो हमको ये स्टेप मिला, पढ़ो जोर से, अली इक्वल टू है वो, पढ़ो हाँ ओके। अब दोनों ओमेगा एक तरफ सी इस तरफ, पिछली बार की तरह पढ़ो, याद है पिछली बार भी ऐसे किए थे। इनफैक्ट पिछली बार तो अगर आपको याद होगा ना, तो पिछली बार तो हमने हम ये देखो ये देखो, ये था ना पिछली बार की कहानी। इनफैक्ट पिछली बार तो हमने यहाँ पे आर सॉरी एफ और एफ लिख दिया था, है ना, फिर एफ आर लिख दिया था, याद है। वही 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 सब करेंगे भाई, वही सब करेंगे, इस बार भी वही सब करेंगे। ये देखो, हाँ भाई पढ़ो जोर से, दोनों ओमेगा एक तरफ सी उस तरफ, पढ़ो जोर से। हाँ, अब यहां से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, क्या लिखेंगे भैया, टेकिंग स्क्वायर रूट को तो यहां पहुंच जाएंगे, पढ़ो। हाँ, लेकिन हमको तो मालूम है ना ओमेगा का फेमस फॉर्मूला 2πf, हम चाहिए तो f को क्या लिख सकते हैं, fr, अभी थोड़ी देर पहले भी तो किए थे, वही कहानी है, एफ को क्या लिख देंगे एफ आर। और हाँ, क्योंकि हम अल्टीमेटली एफ आर में इंटरेस्टेड है, तो टू पाई को वहां भेज देंगे, वहां भेज देंगे तो यही मिलेगा। अली पढ़ो फिर से, यस, और इसी एफ आर को कहा जाता है, तो ये ओके। तो पिछली बार सीरीज रेजोनेंस था तो कंडीशन ये थी, इस बार पैरेलल रेजोनेंस है तो भी कंडीशन, इनफैक्ट अगर आप देखोगे दोनों के फॉर्मूले भी तो सेम है। पिछली बार का फॉर्मूला चेक कर लो क्या था, एफ आर इक्वल टू, ये देखो एफ आर इक्वल टू क्या था, और उस बार भी यही कंडीशन थी एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इस बार भी वही कंडीशन है ओके, और इस बार भी वही फॉर्मूला है ओके। ये फॉर्मूला है, ये कंडीशन ये ओके। तो याद रखना भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया दोनों में डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है ओके, तो क्वेश्चन नंबर 74 और इसी के नजदीक में, हाँ 72, ये दोनों को ध्यान से देखना ओके। 72 और 74 में कैरेक्टरिस्टिक भी दिया गया है और दोनों में क्या क्या फर्क है, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर भी दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ ये हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे और नीचे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है चलो भाई। तो सबसे पहली बात, रेजोनेंस अकर्स व्हेन, पढ़ो अली पूरा लाइन पढ़ना, पूरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो। हाँ सेम पॉइंट है, देखना भैया वो सीरीज के लिए था और ये पैरेलल के लिए, नहीं है वहां पे क्या लिखा, रेजोनेंस कब होगा जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, यहाँ पे बोलता रेजोनेंस कब होगा, और ऑब्वियसली ना तभी तो होगा जब दोनों, तो बेसिक चीज है ओके। अच्छा वहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला आया था अली, अच्छा इधर क्या फॉर्मूला है, यस अब याद है वहां पे, हाँ वहां पे करंट लेकिन इम्पीडेंस बराबर है, करंट वहां पे और इम्पीडेंस, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए ना, करंट तब ज्यादा फ्लो होगा ना जब रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस इज अ सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ओके। अब क्योंकि करंट मैक्सिमम है, उल्टा वही बात है क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम है इसलिए। अब यहां पे देखना भैया, यहां पे क्या लिखा है, करंट क्यों सर, क्योंकि इम्पीडेंस करंट का मिनिमम है सर, यहां पे आप ही देखो ना, यहां पे करंट को जब हमने सॉल्व किए थे कितना था, ये जीरो डाले तो आंसर क्या आ रहा था, जीरो, इसीलिए हमने क्या लिखा था, करंट मिनिमम है। तो जब यहाँ इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है तो करंट मिनिमम होता है, देखो करंट मिनिमम है क्योंकि इम्पीडेंस मैक्सिमम है, सही है ओके। तो भैया दोनों में रेजोनेंस कब होगा, सेम कंडीशन, दोनों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है, फर्क सिर्फ ये है यहाँ पे करंट होता है
यहाँ पे करंट होता है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वहां पे सीन उल्टा है, वहां पे करंट होता है क्योंकि ठीक है फाइन ओके। अब दोनों का जो आखिरी पॉइंट है ना वो भी देख लेते हैं ओके। पढ़ो पढ़ो जोर से, सुनो मेरी बात, कुछ टेक्निकल बातें जरा ध्यान देना, क्या होगा मालूम है, क्योंकि यहां पे सीन क्या होता है कि जब अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुनने हुए आप इसको बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज भेजते रहे हो, इस सर्किट को एलसीआर सीरीज सर्किट की बात चालू है, आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सर्किट भेजे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी भेजी, वो उसमें से सिर्फ किसी एक को एक्सेप्ट करेगा, और वो जिसको एक्सेप्ट करेगा वो कौन होगा आपका, बाकी सबको वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, और जिसको भी वो एक्सेप्ट करेगा वहां पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम ना। आपने एवरीवन वापस एक बार बताता हूं, सुनो हमने यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को भेजे, उसने उसमें से सिर्फ एक को एक्सेप्ट किया, बाकी सबको, जिस किसी को भी एक्सेप्ट करेगा वहां पे करंट हमारा, उस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या होगा, मैक्सिमम, और इसीलिए इस सर्किट को कहा जाता है एक्सेप्टर सर्किट। अब यहां ध्यान देना भाई, यहां इधर पढ़ो, सुनो मेरी बात ध्यान से यहां पे, अरे अब यहां पे क्या होता है, When alternating current of different frequency are sent to this, होगा क्या, देखो it offers, क्या लिखा था यहाँ पे, लिखा it offers, सब बोलो जोर से, किसको, सबको नहीं, उस करंट को जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, कितनी, एफ आर यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाले को ये रोक देगा, सुना आपने, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाले को ये रोक देगा, बाकी सबको अलाउ करेगा, देखो बाकी जितनी अलग अलग बाकी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अलाउ करेगा ओके, लेकिन जो मेन अपना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसको ये, इसीलिए इसको नाम दिया गया है वहां पे ना, एवरीवन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता था बाकी सबको, बराबर, इसीलिए उसका नाम क्या था, एक्सेप्टर सर्किट, वो एक्सेप्ट करता है, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर, ये क्या करता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बाकी सबको, बराबर है ओके। अभी मान लो भाई कहीं पे बहुत बड़ा शो चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, चलो इधर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई है, तो कॉमन लोग भी उसमें घुसने की कोशिश करते है कि नहीं, है ना, लेकिन भाई ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको पहले से ही ना एवरीवन पास या आई कार्ड या कुछ तो दिया जाता है, यस नो, है ना, अभी अम्बानी उम्बानी की शादी हुई ओके, पर बहुत सारे लोगों को तो चलो चेहरे से लोग पहचानते, लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं ना जिनको चेहरे से लोग नहीं पहचानते, तो उनको कुछ तो दिया गया रहेगा ना भाई, ये लेके आना, है ना, तो उस टाइम क्या बोला गया, भाई भैया जिसके पास ये वाला कार्ड है उसी को एंट्री रहेगी, है ना, वॉचमैन को बोला गया होगा, वहाँ पे जितने भी गेट कीपर है उनको बोला गया होगा, भाई ये जिसके पास उनको एंट्री देना बस, बाकी कोई भी आएगा मैं भी सेलिब्रिटी हूँ नहीं भाई, बात समझ में आ रही, मतलब सबको रोक के कुछ लोगों को अलाउ किया गया जिसके पास कार्ड है, बराबर है। केस टू, मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पे नाकाबंदी लगी है, लगी है, और वहाँ पुलिस को पहले से बता दिया गया कि ऐसी ऐसी कलर की गाड़ी आएगी, ये मॉडल नंबर है, ये डिज़ाइन है, और ये उसकी गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी को रोक लेना, नाका सबको छोड़ रहे, तू भी जा, सबको छोड़ा जा रहा है, लेकिन जो इनके पास है सिर्फ उसी को रोका जाएगा, बात समझ में आ रही है। वहाँ पे क्या है, जिसके पास भैया कार्ड है तुम अंदर आ जाओ, यहाँ पे जिसके पास है तुम साइड में हो जाओ, इन समझ में आ रहा है, यही खेल इधर सीरीज में, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला है ना
वो अलाउड है, बाकी सब नहीं. एक्सेप्टर सर्किट. यहां पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला है ना भाई, तू ही नहीं जाएगा, बस तू ही नहीं जाएगा, बाकी सब जाएगा. बात समझ में आ रही है? एक्सेप्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट, ठीक है? है नहीं? ये तो देखो, ओके. अभी यहां पे ना इवरन हमको मालूम है, सुनो इधर, सुनो इधर. यहां पे इस तरफ फ्रीक्वेंसी है, इस तरफ क्या है? करंट. ओके, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी और यहां पे करंट. अच्छा अब सुनो, सुनो मेरी बात ध्यान से. पहला वाला कौन सा? सीरीज रेजोनेंस में हमने क्या सुना था भैया? एफआर पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट, करंट, करंट. ये देखो है ना, तभी तो ग्राफ सबसे ऊपर है, टॉप पे है, पीक पे है ना. लेकिन पैरेलल में हमने क्या सुना था भैया? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम. इसे देखो ग्राफ अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, आई मिनिमम, आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम. ये ओके, सिंपल सा ग्राफ है. कुछ कुछ मिस्टेक है, जैसे यहां पे देखो एफआर लिखा हुआ है, यहाँ पे एफआर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आई मिनिमम लिखा हुआ है, यहाँ पे आई मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ. सब लिख दो, छोटी छोटी गलती है. 8080 बस 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 डाल लेंगे, जितना डाला ना इसका आधा डाल लेगा. ठीक है, सुनो क्या बोला. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटी इन पिको फेरेड, वो तो अपन बाद में कर लेंगे. विच विल मेक 10.104 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस. तो एल दिया है 101.4 माइक्रो हेनरी. माइक्रो से हेनरी पे आने के लिए 10^2. नॉर्मली माइक्रो में यही होता है, हमको पता है माइक्रो में क्या होता है. ओके, टू ऑसिलेट विथ अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया कितना? 1 MHz. ओके, माइक्रो से हर्ट्स पे जाने के लिए 10^-6, मेगा हर्ट्स से हर्ट्स पे जाने के लिए 10^6, है ना, 1 × 10^6. ओके, पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटी, यानी पूछा क्या भैया? सी, हमारे पास एक फॉर्मूला है. ओके, फॉर्मूला पढ़ो जोर से अली, फिर से एफ बोलो या एफ आर बोलो, बात तो वही है. चलो ठीक है, अब क्वेश्चन क्या मालूम है, सीन क्या है? हमारे पास एफ है, हमारे पास एल है, 2 नंबर है, पाई की वैल्यू मालूम है, बचा कौन? वही तो निकालना है, वही तो निकालना है. तो पहले हमने क्या किया भैया, फॉर्मूले को लिख लिए जरा ढंग से. हाँ पढ़ो ली भाई, उसको किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. क्यों किए सर? अरे रूट हटाने के लिए भाई. हाँ पढ़ो, एफ स्क्वायर भैया, फिर क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सी में, तो सी लेफ्ट में, बाकी सब राइट में. पढ़ो अब यहां से अपनी कहानी शुरू होगी, सबकी वैल्यू अपने को डालनी है बस, ठीक है? ओके, तो सारी वैल्यू तुम मेरे को बताओगे. तो रेडी, क्लियर? चलो भाई रुक दे, चलो रेडी इधर. तो अब है ना, पहले सारे डेसिमल एडजस्ट कर लेते हैं एवरीन. देखो यहाँ पे ये 4 है, 3142 × 10^-3 द होल स्क्वायर, 1014 × 10^-1 × 10^-6, 10^-6 द होल स्क्वायर हो जाएगा 10^12, ठीक है? सो 1/4, 3142 का स्क्वायर 10^-6, 1014 × 10^-7 × 10^12, सही है? ओके, जरा देख लो भाई, इधर 10^-6 है, इधर 10^-7, इधर 10^12 है. तो पहले इसको सेट कर लो भाई, बाकी के नंबर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया 1/4, 3142 का स्क्वायर 1014, हाँ बोलो, × 10^2 क्या है? -1. जल्दी यार, अरे यार, −6 −7 −13 −13 + 12 −1 ही आएगा ना. अरे इतना इतना टाइम लगाया तो हो गया फिर, ठीक है? 10^-1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10^+1, ठीक है? तो
तो हमारा जो अगला स्टेप है वो कुछ ऐसा होगा, ओके, इज इक्वल टू 10^1 है ऊपर, ओके, यानी ऊपर 10 है, नीचे 4 है, 3142 का स्क्वायर है और 1014 है, ये 10 से तो बाहर ले सकते हैं आप, ठीक है, रेडी। अब एवरीवन हम लोग कर सकते हैं लॉग, है ना, अच्छा लॉग करते हैं भैया, तो लॉग अप्लाई करता हूँ, लॉग ये 10^1 को बाहर ही ले लेता हूँ मैं, ओके, या तो एक और काम भी कर सकते हैं, 4 है ऊपर क्या है 10 है, कैंसिल होके क्या मिलेगा 2.5, है ना, 2.5 मिलेगा ना कैंसिल होके, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ कर सकते हैं अपना, तो एक थोड़ा छोटा सा काम अपना बच जाएगा, देखो ये 4 है 2.5, ओके, अब लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, लॉग 225 × 10^-1 नीचे 3142 का स्क्वायर इंटू 1014, रेडी, ओके, चलो अब सब पे लॉग अप्लाई करते, तो पहला 10^-1 में बाहर कर दूंगा, लॉग 25 माइनस बड़ा सा लॉग 2 लॉग 3142 प्लस लॉग 1014, ठीक है, ओके, चलो सबका लॉग निकाल के रेडी रहो एकदम, लॉग 25 का 3142 का सबका लॉग निकालो, चलो भाई बोलो, हाँ पहला क्या, अच्छा बाहर कौन है याद रखना, इंटू 10^-1, ठीक है, चलो सबसे पहला कौन है 25, 1.25 का 0, 3979, चलो भाई, हाँ माइनस 2 इंटू 3142, 3 पॉइंट कितना 4972 प्लस 3 पॉइंट, बोलो 0, हाँ सब लोग ऐसा एक साथ बोल रहे हैं, थोड़ा सुनाई नहीं देता एक्चुअली, ठीक है, तो अभी एवरेज छोटे छोटे काम पहले कर लेते, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, एक आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस कर लेना, जल्दी से ये सॉल्व करो, इन दोनों को इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस करो, है ना, चलो भाई, तो आपने निकाला एंटी लॉग 9.3975 इंटू 10^-1 का, तो कितना है 2498, रूल क्या कहता है, एक के बाद पॉइंट इंटू 10^2, यहाँ पे कौन है इंटू 10^-1, बराबर, अभी इधर अभी, ठीक है, लेकिन याद रखना ये किसका आंसर है, सी का ना, आपका आंसर जो भी आएगा वो फैराड में आएगा, इसमें आएगा, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया, थोड़ा क्वेश्चन जोर से ली, हाँ और एक बार, तो भैया हमको आंसर मिला है किसमें, फैराड में, फैराड से किसमें जाना है, कैसे जाते हैं एवरेज, इंटू 10^2 रॉन्ग प्लस 12, फैराड से पिको फैराड, पिको फैराड से फैराड पे आएंगे ना तो -12 होता है, हमारा आंसर ऑलरेडी किसमें है, फैराड में, किसमें जाना है, पिको फैराड में, तो सुनो यहाँ पे ध्यान से एवरेज, हियर आपका आंसर है सी इक्वल टू 2.498 इंटू 10^-11 इंटू 10^+12, यानी सी इक्वल टू 2.498 −11 + 12 कितना होगा 1, ओके, पिको फैराड, ओके, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो हियर, क्योंकि 10^1 है 24.98 पिको फैराड, यार तुम लोग नहीं कर पा रहे थे यार, हियर देखो यार कुछ भी सब, इधर सुनो, इधर इधर मशीरा इधर, ऐसा कोई भी स्टेप इस कैलकुलेशन में नहीं है जो आज के पहले नहीं किए हमने, फिर भी लेकिन ऐसा कोई सम दे दूंगा फिर बोलोगे सर करके बताओ, करके तो बता देंगे एवरेज,
लेकिन अब करके बताने वाला टाइम नहीं है एवरीवन, ये वाला टाइम नहीं है, आप करने वाला टाइम आ गया है, यू मस्ट डू इट एवरीवन। ठीक है, क्या किए एवरीवन, पूरे समय देख लेना एवरीवन, सारी वैल्यू पहले डाल दिए। सबसे पहले जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सारे पॉइंट को सेट कर लो भाई, डेसिमल रखो ही मत, डेसिमल रखोगे टेंशन हो जाएगा, इसलिए मैं एक भी डेसिमल नहीं रखता हूँ। ये एंड में यहाँ तक पहुँच गए तो 10^-1 को ऊपर लेकर गए, छोटा मोटा कैलकुलेशन तक कर दिए, वो भी डेसिमल नहीं रखा, हालांकि एक ही डेसिमल था 2.5 का। वशिरा इधर देखो, एक कैलकुलेशन खाली, उसको ऐसा लिखा हो, ठीक है, फिर अपन ने लॉग अप्लाई किया, लॉग भी आप ही नहीं बताया यार, इसका लॉग ये है, इसका लॉग ये है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब प्लस माइनस करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। खाली ये माइनस मैंने करके बताया क्योंकि यहाँ तुम लोग एरर करते हो, बस यही वाला कर दिया मैंने, बाकी क्या सब वही था यार, करते 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 आ गया। ओके, -9 -9 -10, और वो ये फैरड से कहाँ जाना है, पिको फैरड। अब यहाँ पे गलती कर दो कि भैया 10^-12 कर दिए, फिर गलत, देखो पिको फैरड से फैरड पे नहीं जाना है, बोलो ना, बोलो। और वो कैसे जाते, 10^-12 से जाते, ठीक है, 10^-12 किए, ये 10^-10 था, सॉल्व करके यहाँ तक आ गए। वैसे हम आंसर को यहीं तक छोड़ सकते, अपना काम हो गया, 2.498 × 10^2 पिको, खत्म खत्म। वो बात अलग है यार, आपके पास आंसर ऐसा दिया इसलिए आंसर लेकर आए, लेकिन जरूरी लाओ, छोड़ दो, खत्म हो गया काम अपना। वो तो क्वेश्चन बनाने वाले ने बोला कि भैया मेरे को पिको फैरड में चाहिए, हाँ ठीक है पिको फैरड। अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने वो नहीं कहा होता ना, तो आंसर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है ना, क्योंकि फैरड में ही आंसर आता है, फैरड इसका ऐसा यूनिट है कि नहीं, ऐसा यूनिट में लाए, अपना काम खत्म। वो तो क्वेश्चन बनाने वाले ने कहा मेरे को इसमें चाहिए, तो हमने उसको उसमें ला के, अदरवाइज अपना काम हो गया था। ठीक है, इसका पिक निकाल लो एवरीवन, कैलकुलेट। ओके, अब ये क्या चीज़ होती है, देखो शार्पनेस एवरीबडी यार, यार एक ग्राफ, यार एक ग्राफ दिया देखो। ओके, ये ग्राफ में ना एवरीवन, ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो ग्राफ जहां पे एकदम टॉप पे है, क्या लिखा गया है, ओमेगा एफ, क्या लिखा गया है, हाँ ओमेगा एफ या ओमेगा आर, क्या लिखा है, ओमेगा आर। ओके, रेजोनेंस, सबसे टॉप वाला पॉइंट क्या होता है, रेजोनेंस, तो ओमेगा आर। ओके, लेकिन है ना थोड़ा ओमेगा से नीचे इधर ये पॉइंट, और ये पॉइंट की कुछ खास बात बता दो। वैसे ये पॉइंट को हमने नाम दिया ओमेगा वन, और ये पॉइंट को नाम दिया है, ये क्या है सर, ये वो पॉइंट है। अच्छा, सबसे पहले सुन लो, ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो एक्सिस है वो करंट के लिए, और ये वाला एक्सिस जो है वो ओमेगा के लिए। ओके, फ्रीक्वेंसी के लिए, ये करंट के लिए, और ये ठीक है ओमेगा के लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोलो, ये करंट के लिए। अब ये पॉइंट में ऐसा खास क्या है सर, देखो ये पॉइंट की खास बात ये, क्या लिखा गोमती पढ़ना, फिर से, ये वो पॉइंट है जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होते, इनफैक्ट ऐसे दो पॉइंट रहते, एक इधर रहता है और एक उधर रहता है। वैसे इसको बोला गया ओमेगा वन, उसको बोला गया ओमेगा टू। ये सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो बहुत ध्यान से, इधर 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 सुनो, ये पॉइंट जोर से पढ़ना, टाइम्स इट्स, हाँ द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट बिकम्स हाफ। सुनो सुनो सुनो, क्या पता चला कि ये वो पॉइंट है जहां पे जब भी ये पॉइंट पे आएंगे, सर ये पॉइंट क्या है, सर मैंने ध्यान से देखना क्या लिखा है, आई नॉट क्या है करंट का पीक वैल्यू, ई नॉट क्या है ईएमएफ का पीक वैल्यू, बराबर। तो जब भी हम लोग पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स रहेंगे, कितना रहेंगे, एक बात पता चली, क्या बात पता चली, कि अगर यहां पे पावर यूज हो रहा है 100 वैट, तो यहां पे पावर यूज होगा 50 वैट।
हमको ये पता चल गया कि जब आप E0 से टॉप पोजीशन से इतना नीचे आते हो, कितना 1/√2 टाइम्स नीचे आते हो, तो पावर जो यूज हो रहा था ना पहले आधा हो जाता है। इतना पावर पहले यूज हो रहा था उसका आधा हो जाता है। अब ये पॉइंट जब हमने ढूंढा, ओके सुनो, ये जब पॉइंट हमने ढूंढा बड़ा फर, द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट, पावर यूटिलाइज बाय द सर्किट बिकम्स हाफ, ओके। तो हमको ये कनेक्शन पता चल गया कि जब भी हम लोग किसी I0 या E0 का इतना टाइम्स पे आ जाएंगे, तो जितना भी पावर टॉप पे यूज हो रहा था यहाँ पे उसका आधा। बाय द वे इसको ये नाम से भी बुलाते हैं, क्या नाम से बुलाते हैं? हाँ, पावर फ्रीक्वेंसी, ओके। अब सुनो भैया, ये शार्पनेस किसको बोलते हैं, चलो अपन डिटेल से ही जाते एकदम, ओके। देखो भाई, हमने पहले से पढ़ा था एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला LCR सर्किट में, ओके। अली पढ़ना जोर से, रिवीजन है, पहले देख चुके ये सब चीजें, ओके। अच्छा, और हमको ये भी मालूम है कि भैया जब XL इक्वल टू क्या हो जाता है, तब ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। यस नो कम ऑन, जब XL इक्वल टू XC हो जाता है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? हाँ, जीरो हो जाता है। और हमको ये भी मालूम है जब XL इक्वल टू XC है, तो XL को क्या बोलते हैं? ओमेगा L, और XC को क्या बोलते हैं? 1/ωC। और क्योंकि एवरीवन हम ओमेगा R की बात करें, किसकी, तो जहां जहां ओमेगा वहां पे क्या लिखेंगे, तो हमको ये मिलेगा। पढ़ो अली फिर से, और हमको मालूम है, हमने सॉल्व भी किया था, इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये मिला था, पढ़ो याद है, जब इसको सॉल्व किए थे, सॉल्व कैसे किया, तो ओमेगा और ओमेगा इधर आके क्या हो जाएगा, और वहां पे क्या मिलेगा, अभी अभी सॉल्व किए थे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड करेंगे तो अली क्या मिलेगा, फिर से, हाँ ठीक है फाइन। तो ये हमको मालूम पड़ गया ओमेगा आर की वैल्यू, और बाद में ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया क्या होगा अगर ओमेगा की किसी वैल्यू पे हमने करंट को या ईएमएफ को इतना कर दिया, कितना बोलो जोर से, टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सब बोलो जोर से, तो क्या होता है भाई, तो पावर जितना भी यूज हो रहा था अब वो हाफ हो जाता है, ओके। तो ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो भैया यहाँ पे जितना भी पावर यूज हो रहा था यहाँ पहुँचते पहुँचते वो आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। चलो अभी हियर फ्रॉम द कर्व, ये पॉइंट बताना पढ़ना जरा, हाँ चलो भाई होल्ड ऑन, अभी 1/√2 टाइम्स नीचे यहाँ पे भी एक पॉइंट है और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ये कौन है सर, ओमेगा वन, और ये कौन है सर, ओमेगा टू। अब जरा ध्यान से देखना एवरीबडी हियर, चलो सोचो एवरीवन, यहां से लेके यहां तक है ओमेगा एफ, ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या है, और नहीं नहीं ओमेगा आर है, चलो जो भी ओमेगा आर है, ये हिस्सा है डेल्टा ओमेगा, क्या है, तो सोचो एवरीवन, यहां से लेके यहां तक है ओमेगा आर, यहां से लेके यहां तक है डेल्टा ओमेगा। तो किसी ने आपसे पूछा भाई ये कितना है यहां से यहां तक, तो क्या ये सही होगा भाई, पूरा कितना है, इतना कितना है, किसी ने पूछा ये कितना है, तो ओमेगा आर में से डेल्टा ओमेगा, सही है। तो क्या सेम लॉजिक से यहां से यहां तक क्या ये सही है, ओके, यहां से यहां तक क्या है ओमेगा टू, ये कितना है सर ओमेगा आर, ये कितना है डेल्टा ओमेगा प्लस, सही लॉजिक है एवरीवन, ओके। तो याद रखना, फिर एक बार बता रहा हूं, सुनो भाई, ये कितना है डेल्टा ओमेगा, ये कितना है, ये पूरा यहां से यहां तक ओमेगा आर, तो ओमेगा आर में से डेल्टा ओमेगा निकाल दो, क्या मिलेगा ओमेगा वन, सही है, उधर चलो, उधर चलो,
ये कितना है ओमेगा आर, ये कितना है डेल्टा ओमेगा। ओके, अगर अपने को पूरा चाहिए तो दोनों को क्या कर दो प्लस, तो क्या मिलेगा ओमेगा टू। तो ये तो वही बात यहाँ पे लिखी है। ओके, कि हमको दो पॉइंट मिले। अली पढ़ो। है ना, अगर हमने ये कर दिया, पढ़ो अली। अब आप ही सोचो, आप ही सोचो, अगर दोनों को माइनस कर दिया, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, आपको नहीं लगता है दोनों को माइनस करेंगे तो ये, और डेल्टा ओमेगा माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा क्या होगा, है ना। तो ये बात याद रखना, दोनों को माइनस करें तो ये मिलेगा। अली पढ़ो। और इस टू डेल्टा ओमेगा को आपको याद है ये कितना था डेल्टा ओमेगा, ये भी कितना था डेल्टा ओमेगा, तो दोनों को मिला के कितना होगा टू डेल्टा ओमेगा। और इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं सब बोलो पूरा नाम बोलो बोलो ना बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। तो दो नाम आपने देखे थोड़ी देर पहले, आपने एक नाम सुना था ओमेगा आर, क्या नाम था, अभी एक नाम सुने डेल्टा टू डेल्टा ओमेगा, क्या नाम है भाई। वैसे ओमेगा आर कौन था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर कौन है और टू डेल्टा ओमेगा कौन है, है ना, या बैंडविड्थ बोल लो खाली। अगर हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, किन दोनों को बोलो ना, ओमेगा आर कौन, ये कौन, ऊपर कौन, नीचे कौन, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा, सब बोलो। हाँ, क्या मिलता है, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, और यही हमारा टॉपिक है, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। ओके, बड़ो जोर से शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं अली, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर करने के लिए ये नाम है, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। अगर आपने टॉपिक देखा होगा, सब इधर देखो, टॉपिक का नाम क्या था, ब्रैकेट में क्या लिखा था, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को ही हम लोग क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलो भाई, तो क्या लिखा है एवरीवन, सुनो भाई ध्यान से। ओके, क्लियर, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला। ओके, या अब वो जो फॉर्मूला तो ऊपर वही है, ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा वो बात हमको मालूम है, इसको माइनस करो तो क्या मिलता है ना, तो क्यू का एक और फॉर्मूला क्या हो गया। ओके, अली ये पहला वाला पढ़ना, सेकंड वाला पढ़ना, अभी सब लोग यहां ध्यान दो, हमको मालूम है ओमेगा आर को क्या बोलते हैं, बोलो ना, और टू डेल्टा ओमेगा कौन है, मतलब इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करो आपको क्या मिलेगा क्यू फैक्टर, क्या मिलेगा भाई, ये फॉर्मूला भी इसी का है, ये फॉर्मूला भी इसी का है, ये फॉर्मूला भी उसी का, तीनों मिला के तो एक ही फॉर्मूला है ना एवरीवन। और ये क्यू कौन है, सब बोलो भाई कौन है, बोलो ना, ठीक है। तो कहना इससे सब इधर देखना है, इसी फॉर्मूले से ये बनाया गया डेफिनेशन, सब सुन। तो ये जितने भी क्यू फैक्टर के फॉर्मूले सब में अपॉन है, सब में अपॉन है ना, अपॉन है मतलब क्या है बोलो ना, रेशियो, इस रेशियो में ऊपर कौन है ओमेगा आर, ओमेगा आर कौन है, इसीलिए यहां पे लिखा है द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द, नीचे क्या लिखा है सब बोलो, सब बोलो ना, यानी बोलो बोलो, बस यही है। जब आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर को डिवाइड करोगे इससे, किससे बोलो, ओमेगा टू माइनस ओमेगा, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, ठीक है। अब रहा सवाल, ओके एवरीवन हियर, सब सुने आप, एक इंपॉर्टेंट चीज,
लास्ट पॉइंट है, एक ही चीज बता रहा है बस। आप अगर यहां देखोगे ना डायग्राम में एक चीज लिखी है, सुनो डायग्राम से एक बात पता चलती है, ये ग्राफ का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसमें क्या लिखा है बोलो ना, लेकिन राइट साइड में क्या लिखा है सुना आपने एवरी? लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में क्या लिखा है? यानी इस एरिया में ओके इधर सुनो, हाँ खाली पढ़ना जोर से, बस 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 फिर से पढ़ना, लोअर एंगुलर फ्रीक्वेंसी साइड, ये देखो ये वाला जो है ना इसको बोलेंगे लोअर एंगल, ये इस तरफ है ना, लोअर एंगुलर फ्रीक्वेंसी साइड ये है, और वो क्या है सर हायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी साइड। ओके हाँ पढ़ो अली क्या लिखा है वहां पे, अली पढ़ो इज डोमिनेटेड बाय द कैपेसिटर, देखो यहां पे क्या लिखा है सब लोग बोलो बोलो फिर से, मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है सी, अली क्या पढ़े थे फिर से पढ़ना, हाँ बोले ये वाला जो साइड है ना ये डोमिनेट कर रहा है कौन कैपेसिटी, क्योंकि वो ग्रेटर है ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट कर रहा है, जबकि उस तरफ अभी ये हायर वाला पार्ट ओके इधर क्या लिखा है सब बोलो एल कौन, तो इस तरह इस बार कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए पढ़ो, हाँ देखो एक्सेल डोमिनेट कर रहा है यहां पे, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट, यहां पे कंडक्टर कौन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा था बराबर, वहां पे कौन डोमिनेट कर रहा है इंडक्टर ओके, यार यार वहां दीवा में क्या चल रहा है बोला हमारे यहां से ड्राइवर डोमिनेट करता बोले, कंडक्टर से ज्यादा ड्राइवर है बोले, ठीक है चलो एवरीवन हियर ओके जरा देख लो एवरीवन इसको, ये चोक कॉइल होता है ओके, ये चोक कॉइल है सर्किट में यहां पर लगता है ओके, तो बेसिकली चोक कॉइल है क्या चीज सर ओके, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो चोक का मतलब क्या होता है, बोलते ना कोई चीज चोक हो गई मतलब क्या फंस गई रुक गई बराबर ओके, एवरीवन चोक कॉइल समझ लो, एवरीवन चोक होता है ट्रैफिक, अब बड़े एक्साइट होके निकले भाई ओके थोड़ी दूरी पर गए तो दुनिया का ट्रैफिक, मतलब आप तो चुप हो गए एकदम बराबर, उस सर्किट में सर इसका क्या काम है, देखो यार कभी कभी है ना एक्चुअली एसी सर्किट्स में ना कभी कभी हम जानबूझ के कुछ कुछ एरियाज में ना करंट को कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बल्ब ही समझ लो, जितने बल्ब लगे ये भाई करंट को कंट्रोल करना, अगर एकदम ज्यादा होगा ना इतना ज्यादा लाइट आएगा अपन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे समझ रहे हो, वो करंट को कंट्रोल करने के लिए चोक कॉइल का यूज होता है, तो एक छोटा सा टॉपिक एकदम टच एंड गो है, कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं ओके, तो भाई सुनो क्या लिखा है अली जोर से, इंडक्टर, तो भाई चोक कॉइल में क्या यूज होता है सिर्फ इंडक्टर, आगे देखो हमने पढ़ा था ना इसको कि इससे क्या करते करंट को हम लोग रिड्यूस करते कंट्रोल करते ओके, हाँ पढ़ो आगे, बस एक चीज का ख्याल रखना हमको चोक कॉइल बनाते वक्त कि करंट को तुम रिड्यूस कर दो लेकिन पढ़ो इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लॉस, हिस्टेरेसिस बोलते हैं इसको, ये लॉस होता है एवरीवन, हम जितना एक्चुअली करंट जितना हमको बिल आता ना एक्चुअली हम लोग उतना यूज नहीं करते, क्या बात करते सर ओके सुनो, उतना हम लोग यूज नहीं करते, बहुत सारा तो चले जाता लॉस हो जाता, अनस ध्यान दे उसके ऊपर पहुंच गया दीवा वो आंखों से देखो उसको, उम्रा छोड़ दिया उसने कब का ओके, एवरी वन ईयर सुनो यार, हाँ फिर से पढ़ना भाई,
ठीक है भाई, ओके कैसा होता है ये, तो जो डायग्राम है ना वो याद करो, ओके पढ़ो, इट इज जो भी अभी हमने बताया था, देखो है ना, यही सब है इसके ऊपर, पता है देखो दिख रहा है वायर ऐसे घुमा हुआ है, ओके वही तो बोल रहा हूँ भाई, वही तो बोल रहा है, ओके इट इज मेड अप ऑफ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड, वाउंड मतलब ऐसे घुमाना, क्लोजली इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ ओवर अ सॉफ्ट आयन, नीचे जो है ना वो सॉफ्ट आयन का लॉमिनेटेड कोर है, ठीक है हाँ आगे बढ़ो, इफ हाँ सर बोले एक काम करो सर, करंट को रोकना है ना तो रेजिस्टेंस भी तो यूज करो ना, रेजिस्टेंस भी तो करंट को, तो सर वो अपने पास ऑलरेडी पड़ा हुआ रेजिस्टेंस उसको यूज करो चोक कॉइल बनाने की, क्या सर तो सुनो क्या दिक्कत है सुनो, इफ पढ़ो हाँ ये प्रॉब्लम मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है क्या, और इतना ही नहीं अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब लॉस होता है ना, बाय द वे इसको बोलते हैं कभी कभी हम लोग ये नाम से बुलाते हैं पावर डेसिपेट हो गया, देखो कभी कभी नाम आता था बीजीसी में पावर डेसिपेटेड पावर डेसिपेटेड पावर डेसिपेट होना, वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हुआ है, तो ये लॉस अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी तो एनर्जी वो कोई भी फॉर्म ले सकती है, जब लॉस होता है वो क्या फॉर्म लेती है सब बोलो, और खतरनाक, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है चलो ठीक है कैसे भी लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, लॉस भी किस में जा रहा है, अरे तो खतरनाक हो गया, कभी को सर्किट जला दिया ये जला दिया वो जला दिया और दिक्कत हो जाएगी ना, ओके और बाय द वे हीट लॉस का ये फॉर्मूला है क्या, हाँ और ये जो हो रहा है ना इसको ये नाम से बुलाते क्या, फ्यूल हीटिंग, बस ये दिक्कत है क्या यूज करने में, इसीलिए हम क्या यूज करते ताकि ये वाला नाटक ना हो, तो इस पॉइंट में क्या बताया गया कि क्यों हम, या मैं ऐसा बोलूंगा क्यों हम रेजिस्टेंस नहीं यूज करते, बराबर ओके हियर, मैं हमेशा बोलता हूं ना अगर कोई पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है उसका मीनिंग तो साइड में लिखने का, इसमें इसके में ये बताया गया इसमें ये बताया गया और अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ जाती है, नहीं आओ चलो भाई चोक कॉइल का छोटा मोटा फॉर्मूला, क्योंकि चोक कॉइल में सिर्फ इंडक्टर है, कौन है इंडक्टर का फॉर्मूला हमको मालूम है सब बोलो क्या होता है, चोक कॉइल हाँ तो भैया यूज करने को हम रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते थे लेकिन दिक्कत है आदि क्या दिक्कत है, अरे क्या दिक्कत है रेजिस्टेंस यूज करने में, मेरे कोई दिक्कत नहीं सर मैं तुम्हारे साथ हूं बोले हाँ आदर्श क्या दिक्कत है रेजिस्टेंस यूज करने में, हाँ क्या होता है चोक कॉइल बन जाएगा, ओहो जादू बता रहा है वहां से जादू लाया है, हाँ अभी पढ़ा ना ठीक है बैठो तो भाई रेजिस्टेंस यूज करने में दिक्कत होती है इसलिए हम लोग चोक कॉइल यूज करते, चोक कॉइल क्या ऑफर करेगा लार्ज रेजिस्टेंस, ओके ये उसका फॉर्मूला है और इसके वजह से करंट हमारा यही तो मेन काम है, इसका काम है भैया रेजिस्टेंस ज्यादा करना ताकि करंट कम हो कंट्रोल में आए, ठीक है ओके। अब एवरीन हमने कहीं तो ऊपर पढ़ा था ओके कि हमारा जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है ना सब देखो इधर हमारा जो चोक कॉइल था उसमें बहुत सारे क्या थे कॉपर वायर कैसे तो भाई सब बोलो किस पे किस पे किस पे, ये जो वर्ड है ना क्या सर ये लैमिनेट क्यों करते सर अली पढ़ो हाँ क्योंकि वो कोर लैमिनेट होता है ना कवर्ड होता है इसीलिए ना एक और लॉस बच जाता है, कौन सा लॉस बच जाता है भैया अरे आईडी करंट हमने पढ़े थे बहुत डिटेल में, फिलहाल मैं इतना बोलूंगा भैया ये भी एक स्पेशल टाइप का लॉस है वो सर्कुलेटिंग करंट शुरू हो जाते ओके ईएमएफ चेंज होने की वजह से सर्कुलेटिंग करंट शुरू हो जाते जिसको बोलते हैं एडी करंट, वो लॉस भी बचा लेता है समझे वो लॉस भी बचा लिए, पहले तो रेजिस्टेंस यूज नहीं किए तो जो हीट से लॉस हो रहा था वो बचा लिए, सॉफ्ट आयरन यूज किए सॉफ्ट आयरन को भी लैमिनेट कर दिए क्या कर दिए भाई ताकि अगर कोई लॉस एडी करंट से हो रहा है वो भी ना हो ओके चलो
जो कॉइल में नॉर्मली कितना पावर डिसिपेट होता है सर, पढ़ो जोर से एकदम, ये सारे फॉर्मूले पुराने हैं, ये सारे फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले एवरेज पावर वगैरह वगैरह बहुत डिटेल में देखे, पावर फैक्टर का ये फॉर्मूला है, ओके, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये एक्चुअली कौन है, एक्सएल स्क्वायर है, कौन है, नॉर्मली क्या होता फॉर्मूला, एक्सएल माइनस एक्स सीधा, लेकिन हमारे केस में क्या एक्स है ही नहीं, हमने कैपेसिटर को यूज ही नहीं किया चोक कॉल में, चोक कॉल में क्या यूज किया सिर्फ, इसीलिए ये फॉर्मूला, ओके, फिर से पढ़ना है दोनों फॉर्मूले, चोक कॉइल के ये फॉर्मूले पढ़ो, ठीक है, चलो अभी सुनो क्या बोला गया, फाइनली फॉर अ चोक कॉइल एल इज वेरी लार्ज, फॉर अ चोक कॉइल, सुनो मेरी बात ध्यान से, यार एल इज वेरी लार्ज, ओके ध्यान से देखना एवरी नियर, अब क्योंकि L बहुत ज्यादा है तो लिखा है R इज बैलेंस करने के लिए, ओके, और इसीलिए लिखा है cos phi इज नियरली जीरो, cos phi अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू जीरो, जीरो नहीं है लेकिन क्लोज टू जीरो, इससे क्या फायदा सर, सुनो जब भी ये नजदीक टू जीरो होगा, क्लोज टू जीरो होगा, इसका मतलब सब बोलो क्या होगा, बोलो ना, मतलब अभी तक हम लोग यही सुन रहे चोक कॉइल बहुत अच्छी चीज है, चोक कॉइल में ये नहीं होता, चोक कॉइल में वो नहीं होता, चोक कॉइल में ज्यादा हीट नहीं डिसिपेट होता है, चोक कॉइल में लॉस नहीं होता है, लेकिन यार हम शुरू से सुनते आ रहे भाई कोई भी चीज परफेक्ट, सर इसमें कुछ तो लॉस होता रहेगा सर, होता है, याद है शुरुआत में मैंने अभी अभी इसी आंसर में शुरुआत में मैंने नाम लिया था क्या, हिस्टरिस, हाइस्टरिस नहीं दे पावा, हिस्टरिसिस क्या बोलते उसको, बोलो हिस्टेरेसिस, मैंने ये वर्ड लिया था अभी थोड़ी देर पहले बोलते बोलते, ओके, लिखा है कि चोक कॉइल कोई परफेक्ट चीज नहीं है, इसमें भी एक दिक्कत है, लेकिन एक ही दिक्कत है, द ओनली लॉस ऑफ एनर्जी इन द चोक कॉइल इज ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉस इन द आयरन कोर विच कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर, भैया ये एक लॉस होता है इसमें, हिस्टेरेसिस लॉस, ओके, हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब क्या होता है मालूम, बेसिकली एवरीन हिस्टेरेसिस क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ, मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक मैग्नेट लिया, ध्यान सुनो हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होता है, एक मैग्नेट लिया उसके पीछे एक और मैग्नेट रख दिया, ओके, या एक लोखंड की चीज़ रख दी, अब आप ये पहले मैग्नेट को खींचो तो पीछे की जो लोखंड की चीज़ है वो भी इसके बराबर बराबर, अभी ये चीज़ थोड़ा फास्ट करो आप, आगे का जो मैग्नेट है उसको फास्ट मूव करो, पीछे का जो मैग्नेट है या आयन है वो भी मूव करेगा, लेकिन आप चीज एक चीज नोटिस करोगे, इसके मूव होने में और पीछे के उस ऑब्जेक्ट के मूव होने में एक मिली सेकेंड का या छोटा सा टाइम का फर्क होगा, डिफरेंस होगा, उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट उसके मैग्नेटिक फील्ड पर पहुंचने में बीच में थोड़ा सा लॉस हो जाता है, बीच में थोड़ा सा लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस, सुना आपने एवरियन, ओके, लेकिन चोक कॉइल में हम उसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते, कैसे सर, याद है ऊपर ऊपर आपने सुना था कि हमने जो आयन कोर लगाया है, कौन सा आयन कोर लगाया, कौन सा, जानबूझ के हमने ऐसा किया, नॉर्मल आयन कोर नहीं लगाया हमने, क्या लगाया है, सॉफ्ट आयरन कोर, क्यों सर सॉफ्ट आयरन कोर, भैया अगर सिर्फ आयरन कोर लगाया तो लॉस हो जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर लगाया तो वही लॉस थोड़ा सा कम होता है, बस लॉस नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता भाई कोई चीज परफेक्ट, बात समझ में आए एवरीवन, ओके, तो भैया फिर एक बार रिवाइज करो, तो आखिरी टॉपिक है इसका, सबसे पहले चोक कॉइल में सिर्फ क्या होता है, काम क्या भैया इसका, लेकिन कैसे कम करना भैया, हाँ इसका डायग्राम हमने देखा था, फिर एक बार डायग्राम बता देता हूँ भैया, देख लो डायग्राम, ये देखो ये वो चोक कॉइल, ओके, ये अंदर ये चोक कॉइल, ये उसकी वाइंडिंग है, अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है, अंदर का जो पार्ट है ना ये गोल वाला, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये उसके ऊपर वाइंडिंग है,
ठीक है भाई, अपने आंसर पे रिटर्न आ जाते हैं, इधर आओ। ओके हाँ ठीक है, तो ये है चोक कॉइल आपका। अली फिर से पढ़ना भाई, इट ज्यादा है ना एवरीवन। एक सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर था, उसके ऊपर क्या बांधे हमने, कैसे सर ये काम करने के लिए हम इसको भी तो यूज कर सकते हैं, किसको सर, ये भी तो यही करता है ना। हाँ करता है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सब बोलो। ये उसका फॉर्मूला है, और इस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, चोक कॉइल की अच्छी बात ये है। सब पढ़ो, ये इसका काम है ठीक है। अब चोक कॉइल एक्चुअली क्या करता है, चोक कॉइल जो है वो लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्या फॉर्मूला उसका, और क्योंकि लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करता है इसलिए करंट हमारा कंट्रोल होता है या रिड्यूस होता है। ओके चोक कॉइल में सर हम लोग ये यूज करते हैं क्या, क्यों सर। ओके चोक कॉइल के कुछ फॉर्मूले, एवरेज पावर का ये फॉर्मूला, पावर ये फॉर्मूले को बोलते हैं एवरेज पावर, ये फॉर्मूले को बोलते हैं पावर फैक्टर। ओके इसको पढ़ना खाली अली, चोक कॉइल की एक और एक खास बात, एल इज आर इज, इसकी वजह से कॉस फाई क्या होता है, नियरली जीरो बराबर। और अगर कॉस फाई नजदीक हो गया जीरो के, नियरली जीरो हो गया, तो सर अब पढ़ो, लॉस ऑफ पावर नहीं होता, करंट भी कंट्रोल में आ जाता है और पावर भी ज्यादा लॉस नहीं होता। लेकिन सर फिर भी कुछ तो होता ही होगा, हाँ होता है। द ओनली लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू द जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसको भी कम कर सकते, उसको भी रिड्यूस कर सकते, कैसे, आयरन कोर जो यूज कर रहे हो ना वो आयरन किसका होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी कंट्रोल में, ठीक है।